तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डॉक्टर इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, डॉक्टर इसका प्लग इन किया है तो ये चेक कर रहे हैं, ये ऑन हुआ है साथ ही ऑफ हो गया है। पावर वाले बटन की लाइट जो है ना ये ऑन होती है साथ ही ऑफ हो जाती है, साथ में ये दो लाइट जो है ना मध्यम सी जो है ना वो डिम सी ऑन रहती हैं, तो ये ऑन ऑफ हो रही है इसकी जो है ना पावर बटन की लाइट, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। चलें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड E6440 सीरीज़ है इसकी। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डॉक्टर इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, डॉक्टर इसका प्लग इन किया है तो ये चेक कर रहे हैं, ये ऑन हुआ है साथ ही ऑफ हो गया है। पावर वाले बटन की लाइट जो है ना ये ऑन होती है साथ ही ऑफ हो जाती है, साथ में ये दो लाइट जो है ना मध्यम सी जो है ना वो डिम सी ऑन रहती हैं, तो ये ऑन ऑफ हो रही है इसकी जो है ना पावर बटन की लाइट, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। चलें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, बैटरी उतार लेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाह चाहिए, इसका डी कवर ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी रैम चेक कर लेनी है क्योंकि ऑन ऑफ हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह इसकी रैम जो है ना वो निकाल लेंगे, पहले इसकी रैम वेरीफाई कर लेंगे, दूसरी रैम लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो ये रैम जो है ना इसकी वेरीफाई कर लेंगे पहले दूसरी लगा के, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये अभी इसका चार्जर जो है ना प्लग इन कर लेंगे, जो वाईफाई की लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, सेम कंडीशन है, लेकिन पहले वाईफाई की लाइट ऑन नहीं थी, ऑन होती रैम उतारने से वाईफाई की लाइट ऑन हो गई है। तो रैम इसकी जो वेरीफाई रैम है वो लगा के चेक कर लेंगे एक दफ़ा। तो इस पर ले जी, ये 8 GB की रैम है, पहले 4 GB की लगाई थी, ये वेरीफाई रैम है बिल्कुल ओके। ये प्लग इन करते हैं, इसको चार्जर लगाते हैं ज़रा, अभी ऑन करते हैं इसको। अच्छी डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है ना वो रैम का ही आ रहा है इसको, लेकिन सिस्टम हेल्टेड का एरर आ रहा है अभी। रिस्टार्ट किया इसको, देने चाहिए विंडो भी इसकी जो है ना वो बूट होनी स्टार्ट हो गई है, तो प्रॉब्लम रैम का ही है, रैम इसकी चेंज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।